कैसे आप सभी लोग। तो आज हो रहे हैं 6 बज रहे हैं आज सुबह के, और मैं 6 बजे उठ चुका हूँ क्योंकि मैं जाऊँगा अपने एकेडमी। अभी पूरे 6 बजे हैं, 5:58 हो रहे हैं, आप इधर देख सकते हो 5:58 हो रहे हैं पूरा। अभी बाहर मम्मी डैडी तो उठ चुके हैं, वे दोनों सो रही है। मैं उनका बताता हूँ आपको, मैं पूरा फ्रेश अप हो चुका हूँ, मैंने पूरी ड्रेस पहन ली है, टेनिस के अभी जूते घाटी में सॉक्स पहन लिया मैंने, ये ऊपर की टी शर्ट पहन लिया और नीचे शॉर्ट्स पहन लिया, और यहाँ पे ये सो रही है। तो अब मैं जाने के लिए थोड़ा केला खा लेता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में एलर्जी आनी चाहिए। अभी मैंने किट में भी 2 केले रख लिए हैं, 2 केले हैं मम्मी, 2 केले रख लिए हैं, 2 बोतल रख ली। वैसे तो मैं 3 बोतल लेके जाता हूँ पर 2 बोतल मेरे ख्याल से भी ज़्यादा ही रह जाएंगी, 1 बोतल ही काफ़ी थी, पर कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट। और मेरी रैकेट वगैरह सब कुछ इसमें, और मैं केला खाऊंगा ताकि मैं थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए, वरना वहाँ जाती ही थोड़ा बहुत ढीला पड़ जाऊंगा। बंद करो खा ले। क्या बोल रहे हो? अभी दक्ष एकेडमी के लिए रेडी है, सुबह के 6 बज चुके हैं, आज की प्रैक्टिस है, और अभी थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाया है केला ताकि पेट में दर्द ना हो, और आज इसकी प्रैक्टिस चालू आज से। इनके सर ने बोला है कि डेली आना है सुबह के टाइम, शाम के टाइम जाता ही है, तो देखो इनके टूर्नामेंट अभी होने वाले हैं तो इसलिए प्रैक्टिस है। दक्ष चले, शूज गाड़ी में आपके उधर पहन लेना, आओ चले। से खेल के काफी ज्यादा मजा आया एकेडमी में खेल के, सुबह सुबह पूरा फ्रेश अप हो चुका हूँ, अभी पूरा पसीने में भिगा हुआ हूँ। आपको लग रहा है कि ये कलर है, ये है ओरिजिनल कलर और ये है खेलने वाला कलर। पूरी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं, अब मैं घर की तरफ पहुंचने वाला था, ज्योति पहले नहाऊंगा उसके बाद क्लास लेनी शुरू कर दूंगा क्योंकि 9 बजे से क्लास है, और अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो घर पहुंचने में थोड़ी सी देर लगेगी, फिर मैं आपको अभी घर की तरफ मिलता हूँ। खुशी देखो इनकी खुशी, फैन फॉलो शीरो, ये बाबू, ये ब्रोडी, ये शीरो ब्रोडी, कम कम बॉय बाबू, नो अब तो मिल गया, अब क्यों कर रहा है, नॉनसेंस डॉगी, फुल हैप्पी बॉय है हमारा ब्रोडी बाबू। अंदर आ चुके हैं, लाइट ऑन करते हैं पहले तो मछलियां हमारी प्यारी प्यारी सी, और मैं खेल के भी आ गया हूँ, और इनको देखो व्लॉगर नंबर 1 जब से ऐसी पोजीशन में उठ जा, जब से ऐसी पोजीशन में रीति। हे गाइस, अब हो चुकी है मेरी एंट्री, और अभी आपने दक्ष को देखा ही था कि वो अपनी एकेडमी गया था, बट अब मैं आ चुकी हूँ आप सभी से अपना व्लॉग कंटिन्यू करने, आप सभी से बात करने। सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ क्योंकि देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। भाई साहब हमारे यहाँ पे हो रहा है एक और भंडारा, हमारी फैमिली करा रही है, और वो खेड़ा देवत के उससे हो रहा है, आज नाम से भंडारा हो रहा है। सो हमारे यहाँ पे भंडारे बहुत होते हैं, वैसे अभी तक मैंने आपको 2 भंडारे तो दिखाई दिए, मतलब उसमें से एक लंगर था गुरुजी का, और एक हम वहाँ पे गए थे बाबा मोहन राम के वहाँ पर, और अब तीसरा भंडारा आ चुका है जो हमारी फैमिली करा रही। तो अगर आपको खाना होना भंडारा तो मुझे बता दिया करो, और मेरे यहाँ पे आके खा लिया करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मन कर रहा हो तो जल्दी से आ जाओ, और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। बनाना शेक, और यहाँ पे दक्ष ले रहा अपनी क्लास,
हेलो, कैसे हो सभी लोग? देखो कोई ड्रेस है अभी देख, और अभी बताए एक बात बताओ, ये नहाया नहीं है, नहाए बिना क्लास ले रहा है गंदा। सब लेते हैं भाई, जो कमेंट में लिखते हैं ना कौन कौन नहीं लेते, मतलब कौन, और डरता रहता हूँ कि एकदम से अगर मेरा ऐसे माइक ऑन हो जाए तो फिर मेरा क्या होएगा, इसलिए मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। अभी मैं बोल रहा था तब भी चेक कर रहा था। और ये गिफ्ट है आप सभी के लिए, और पता है ये झूठ बोल रहा है कि सभी बिना नहाए क्लास लेते हैं, मैं सारी क्लासेस नहा के लेती हूँ, और ये सरासर झूठ है। ये नहा के क्यों पता क्यों लेती है? क्योंकि एक क्लास पहले छोड़ देती है नहाने के लिए, एक घंटा नहा के आती है, उसके बाद एक गाइस ये बिल्कुल झूठ है। चलो तो आगे चलते हैं। और मैंने कल आपको एक शिवजी बना के दिखाए थे, वो थोड़ी सी दिखाए थे, उसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और आपको पीछे यहाँ पे स्टिल लाइफ भी दिख रही होगी, एक ड्रॉइंग है, इसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं भी इसको आपको जल्दी से पूरी करके दिखाऊंगी, अभी पूरी नहीं हुई है। सो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वो शिव जी कैसे लगे, और उस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। ओके, तो गाइस ये आ चुका है भंडारा, और ये दक्ष खा रहा है भंडारा को, और यहाँ मम्मी सर्व कर रही है, घर ही ले आए। हाँ, और हम घर ही ले आए इसको। सो बोला जय खेड़ा देवत की, बाबा मोहन राम की जय, बोला खेड़ा देवत की जय। आई एम बैक, बट आज मैंने अभी शाम को कैमरा उठाया क्योंकि क्लासेस के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं सो गई थी। और अब हो रही है शाम, इतना अच्छा मौसम, फिर से यहीं पे मैं आपको ये दिखाऊंगी, अच्छा मौसम हो रहा है, और अब तो बारिश भी आ गई है, तो पूरा गीला हुआ पड़ा है। और मैं चलती हूँ फिर बाहर, आपको पूरा दिखाती हूँ। सो मैंने अभी डायरेक्ट इवनिंग में ही व्लॉग शुरू करा है अपना, दोबारा वहीं से कंटिन्यू, एंड ब्रॉड यहाँ पर बांधा हुआ है, ये यहाँ पर बोल रहा है, अभी यहाँ पर बंद गई भी। अब हम चलते हैं छत पे, क्योंकि यहाँ तो ये हमें रहने देगा, भोग भोग के हमारा दिमाग खराब कर देगा। तो हम चलते हैं छत पे, और यहाँ पे बहुत डर लगेगा चलने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गीला हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना गीला हो रहा है यहाँ पे, आराम आराम से चढ़ते हैं बिल्कुल। यहाँ भी देखो भाई साहब, पूरा गीला हुआ पड़ा है। मैं तो सो रही थी, और सो रही सोने में ही सारी बारिश हो गई, और मैं जब उठ के आई ख़त्म भी हो गई। मेरे सोने से पहले तो सब माहौल ठीक था, एंड नाउ ब्रॉडी भी ऊपर आ गया सच पे, चलो। नहीं रह पाया मेरे बिना, दीदी आ रही है इसको लेके, एंड ये 2-3 दिन में आया छत पर, अब इसको हम लेके नहीं आ रहे थे, क्योंकि देखो ये ऐसे ऐसे गला खींच के जाता है आगे, और फिर डर लगता रहता है कि आगे ना गिर जाए ये। देखो जब ये छोटा सा था ना, जब ये इस पे पैर रख के देखता था, इसको दिखता भी नहीं था यहाँ से, तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा था ये, जो इस पे पैर रख के इसको देखना पड़ता था, कर रहा है। एंड ये देखो वो है मंदिर, और उसके साइड में छोटा सा टेंट लग रहा है ना, वहाँ पर हुआ था आज का भंडारा, तो आप देख सकते हैं। क्या हो गया? चिड़िया। चिड़िया? बताओ भाई, चिड़िया को भी जीने का हक नहीं है इसके सामने। शांत भाई, इसका भी पूरा लड़ने का मूड है, ये लड़ने का मूड में पूरी है। गई, अब तो गई, अब तो नहीं आएगी। भगाया, हाँ भगवान, अब दोबारा आ गई है यहाँ पे, पूरा लड़ने के मूड में भाई आज तो बंदी पूरा लड़ने के मूड में। देखो देखो कैसे गई है, ए भगवान, उसको ये सीमा पार करनी थी, और हमारा ब्रॉडी जिसको सीमा पार नहीं करने देता, अभी देख रही है। ओहो, आप सभी को बताती हूँ एक और बात, कि वैसे तो आज मैं थक रही थी और मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं इतनी देर तक सोई हूँ, वरना इतनी देर तक कौन सोता है। और यहाँ पे दूसरी बात भी है कि भाई साहब, मेरे गुल्ले वाले स्कूल, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कैसा होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे भी होगा उस स्कूल में, और स्कूल तो स्कूल ही होता है, तो डर तो लगता है स्कूल जाने में। ऑफलाइन पूरे इतने दिनों बाद ऑफलाइन स्कूल जाएंगे हम, तो आप सभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना कि जो मेरे जितनी एज के हैं, मतलब 10th 12th में हैं, और वो स्कूल जाते हैं, तो उनको टेंशन होती है नहीं होती है, और वो भी स्पेशली फर्स्ट डे हो जो न्यू स्कूल में। तो अब देखते हैं मेरा फर्स्ट डे कैसा जाता है। कल तो कई सारे स्कूल खुल गए हैं, और पता है सब एक दूसरे से अब काम मांग रहे हैं, ऑनलाइन में कौन काम करता है। वैसे मेरा आधे ज़्यादा कंप्लीट था, मतलब 1-2 चैप्टर ही रह रहे थे, बट वो भी मैंने अब कंप्लीट करने शुरू कर दिया है। तो आप सभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो 9th-12th में, क्योंकि अभी तो इनके स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने भी कैसा किया है, काम कंप्लीट नहीं किया है, और जब स्कूल खुलने का टाइम आया, जब सबसे मांगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना मांगे, सबका कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट रहता ही है, तो आपने भी ज़रूर मांगा होगा। चलो बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ।
दक्ष का भी पक्का नहीं है, शायद उसके 23rd से खुल रहे हैं, ये मुझे तो कंफर्म नहीं है, पर उसको पता होगा भाई उसकी क्लास है, तो शायद उसके 23rd से खुल रहे हैं, 23rd जुलाई से। और दीदी का भी अभी न्यू एडमिशन हुआ है, सो उनकी तो अभी कोई खबर नहीं आई है, और हमारा भाई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो पता नहीं हमें क्या होगा, मतलब दीदी का कैसे होगा, बट फिर भी उनकी क्लासेस मेरे हिसाब से रिजल्ट आने से पहले शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेरी भी हो गई है ना। दीदी का देखो, दीदी स्कूल से पास आउट हो चुकी है, फिर भी शिक्षा भारती मतलब हमारे पुराने स्कूल की शर्ट पहन रही है। तो क्या हुआ, अब कुछ हो रहा था है नहीं इंटरेस्ट का यूनिफॉर्म्स का? मैं नहीं पहनती, मुझे अजीब लगता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म घर में पहनना। क्या है इसमें, टी शर्ट ही तो है, सिंपल सी टी शर्ट, क्या बुराई है? आप सभी लोग बताए कि आप पहनते हो नहीं पहनते हो, मेरे हिसाब से अगर पहनते होंगे जिसका जो जो पास आउट हो गया, जिनकी यूनिफॉर्म बच रही होगी ना, जैसे मतलब स्कर्ट तो नहीं बट शर्ट और टी शर्ट ऐसी तो मतलब जॉगर तो पहनते होंगे अपने घर पे आराम से, उसमें क्या बुराई है? नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और अगर आप मान दीदी के साथ हो तो आप लिखना मानो दीदी की टीम, मतलब मानवी टीम लिखना, और अगर मेरे साथ हो तो लिखना रितिका टीम। मुझे पता है कि मेरे साथ ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि मैं भी नहीं पहनती हूँ, और अजीब लगती है यार घर में कौन यूनिफॉर्म पहनता है, मैं तो स्कूल से आगे भी पहले निकाल देती हूँ उन्हें, और मैंने कई बच्चे देखे कि स्कूल से आगे निकालते ही नहीं है, और अगले दिन भी फिर वही पहन के चले जाते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ, थोड़े सिंसियर बच्चे पता है ना, मैं भी नहीं हूँ हम थोड़े सिंसियर बच्चे, समझते हो ना, समझते हो बस। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है? मैं एक जगह खड़ी होकर ना, मैं अपना फुल आर्म तो नहीं, मतलब फुल आर्म से थोड़ा सा कम हिला सकती हूँ, क्या आप ही कर सकते हैं, देखें 1 2 3, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, देखो मैं हिलूंगी नहीं, 1 2 3 को, ये देखो कहाँ तक घुमा दिया मैंने आपको, वहाँ तक दिख गया, देखो दोबारा घुमा के दिखाती हूँ, 1 2 3 गो, ये भाई एक ही जगह खड़े हो गए, सोच सकते हो आप भी, ये ट्राई करके देखना, कुछ ज़्यादा टैलेंट नहीं ले रही है लड़की आप ज़रूर ट्राई करके, नहीं इनसे करवाते हैं, देखो पकड़ो, करो करो जल्दी करो, अच्छा ठीक है, एक ही बार खड़े ना, हाथ में नहीं ना, ओ कर दिया भाई, कर हाँ तो ये तो कोई भी कर सकता है, तो अगर इन्होंने कर दिया ना तो गाइस तो मैं सोच सकती कोई भी कर सकता है, अच्छा ये बेचारे भी मुझे नहीं लगता, चलो ठीक है ठीक है, कर दिया तो कर दिया, ओ मेरे को थप्पड़ मार दिया, बहुत बुरी बात है ये तो, अगर छोटे छोटी बहन को कौन थप्पड़ मारता है, सब मारते हैं, सब मारते हैं, हमारे जैसे तो सब मारते हैं। शाम के साथ और अभी हम जा रहे हैं रीति दीदी का पढ़ाई का सामान लेने, रीति दीदी की बुक्स लेने, स्टेशनरी, और तो थोड़ा लेट इसलिए हो गए, 7 बजे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि बीच में बारिश हो गई, आप सभी को पता होगा अभी मौसम ऐसे ही चल रहा है बारिश का, तो हम अभी नहीं जा पाए, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है, थोड़ी थोड़ी सी, तो हम अभी चले गए हैं, काफी ज्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है अभी, और स्टेशनरी यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है, फिर वहां पे जाके सामान लाना है और रितिक की पढ़ाई का। सामान लेके आ चुके हैं, ये है हमारा सामान, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग रीति दीदी करेंगी क्योंकि उनका ही सामान है, और ये यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं बिल्कुल फोकस के साथ, और वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, ठीक था, और यहाँ पे व्यू देख सकते हो आप, पूरी लाइटनिंग ही लाइटनिंग है, मैकडोनल्ड्स इधर है, और अभी आप भी व्यू का मजा लो, मैं भी व्यू का मजा लो। चुके हैं घर में,
दक्ष तो ऐसे ही बोला था कि मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, वो घर आ चुका है और वैसे कह रहा था कि मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, बट ऐसा इतना कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, बट फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या लाए हैं। सो ये मेरा सामान है। तो पहले तो वो सबसे पहले तो लाए हैं पेन्स लाए हैं, क्योंकि आप स्कूल खोलने वाले हैं एज ऑलवेज, तो पेन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो ये सारे तो पेन लेके आया है, एंड देन लेके आया ब्रश पेन, क्योंकि मैंने आज लिए तो मेरी पेंटिंग तो ज़रूर होती है, वो आपने देखी भी है। तो मेरे पास ब्रश पेन नहीं थे और जो सिंपल मार्कर थे वो ख़राब हो गए थे, तो ये हमने मंगवा लिया ब्रश पेन। एंड इसके साथ ही ये छोटी सी बुक भी आई है, एक ऐसी कलरिंग बुक है। एंड उसके बाद हमारा ये भी पेन है यहाँ पर, और पेन है, कई सारे पेन आ गए। और ये मार्कर परमानेंट मार्कर है, क्योंकि वो आपने मेरी मांडला वाली तो आर्ट देखी होगी, तो वो इन्हीं मार्कर से बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने मंगवा लिए। एंड एंड में एक बुक मंगवाई है मैंने, एक बुक मेरे पास नहीं थी, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, निकल नहीं पा रही है तो वो बुक है मैंने निकाल लिया, वो बुक है साइकोलॉजी की। तो मेरे पास साइकोलॉजी की बुक अभी अवेलेबल नहीं थी, बट अब ये आ चुकी है, सो अब इसको हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। अभी मैं ई बुक में से पढ़ रही थी, इंटरनेट में से, बट अब मेरे पास एकदम बुक मिल गई है, तो अब इसमें से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आज मैंने करी है बहुत सारी मस्ती और मुझे लगता है कि आप भी मेरे ब्लॉग को देख के थोड़ा सा एंटरटेन हुए होंगे। सो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल गो थ्रू ऑल माई प्रीवियस वीडियो एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।